आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। ये आपको सॉलिड या लिक्विड किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। ये लिक्विड फॉर्म है। और ये सॉलिड फॉर्म है। पर याद रखें कि यह आपके स्किन के कांटेक्ट में न आए, इससे आपके स्किन पर थोड़ी देर के लिए जलन होगी और उस जगह की स्किन वाइट हो जाएगी और थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगी। हम इसका लिक्विड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। पहला टेस्ट है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट करने के लिए एक क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब लीजिए। इसमें 1 या 2 ml ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लीजिए। इस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में आप 4-5 ड्रॉप गिवन कंपाउंड ऐड कीजिए। आप देखेंगे कि लिटमस का कलर ब्लू से रेड हो जाएगा। देखिए शेक करते ही ब्लू से रेड हो गया। इसका मतलब है फिनोलिक ग्रुप में भी प्रेजेंट। दूसरा हमारा टेस्ट है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट करने के लिए एक क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब लीजिए। उसमें 1 या 2 ml गिवन कंपाउंड लीजिए। अब इस गिवन कंपाउंड में आप न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड कीजिए। इसे मिलाते ही आपको टेस्ट ट्यूब में वॉयलेट ब्लू या ग्रीन या रेड कलर मिलेगा। यहाँ हमें वॉयलेट कलर मिला है। इसमें से आपको कोई भी कलर मिल सकता है। हमें यहाँ वॉयलेट कलर मिला है। इसका मतलब है फिनोलिक ग्रुप इज प्रेजेंट। थर्ड टेस्ट है लिबरमैंस टेस्ट। ये टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे करने के लिए एक क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब लीजिए। उसमें 1 या 2 ml गिवन कंपाउंड लीजिए। अब इसमें 2-3 ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की ऐड कीजिए। ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। अब टेस्ट ट्यूब को शेक कीजिए। और शेक करने के बाद इसे बर्नर पे वार्म करना है, हल्का सा गर्म करना है। हमें इसे बॉयल नहीं करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि मिक्सचर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आपको इस तरीके से टेस्ट ट्यूब को हिलाते हुए इसे गर्म करना है। अब इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा ठंडा होने पर इसमें सॉलिड सोडियम नाइट्राइट ऐड करना है।
सॉलिड सोडियम नाइट्राइट NaNO2। सॉलिड सोडियम नाइट्राइट ऐड करते ही टेस्ट ट्यूब में गहरा हरा या ब्लू कलर मिलेगा आपको, या तो ग्रीन मिलेगा डार्क या तो ब्लू मिलेगा। और जब इस कंटेंट को आप वाटर में पलट देंगे, एक बीकर में पानी लीजिए आधा से ज़्यादा और उसमें इस कंटेंट को डाल दीजिए, आराम से ग्लास रॉड की सहायता से डाल दीजिए आप इसको, क्योंकि ये थोड़ा विस्कस होता है ज़्यादा। आप देखेंगे बीकर में पानी का कलर रेड हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आप पूरे कंटेंट को बीकर में ऐड कर लीजिए। ये देखिए कंटेंट रेड हो गया बीकर का। अब इस बीकर में जो रेड वाटर हो गया है, इसमें हम NaOH यूज ऐड करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्टली ऐड करेंगे। और जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यूज़ करेंगे ऐड करेंगे, हमें वो पहले वाला ग्रीन या ब्लू कलर मिल जाएगा। इसे आप ग्लास रॉड की सहायता से थोड़ा सा स्टेयर कर लीजिए ताकि ये NaOH मिक्स हो जाए। और अगर आपको कलर बिल्कुल वैसा नहीं मिला, दोबारा इसमें ऐड कीजिए। यह है लिबरमैंस टेस्ट, इसका मतलब